नहीं है तो ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक का राजा बना दिया। जब ध्रुव जी मांग नहीं रहे हैं तो आप अपनी तरफ से क्यों दे रहे हो? देखो ये जो उपासना होती है वो उपासना से कटती है, मिटती नहीं है, उसका अंकुर रहता है। जैसे इस समय आप जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं पंडाल में, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आप लोग बदल गए, एकदम बदल गए आप। हमें ये लग रहा है आप लोग महात्मा बन गए, सबका मन बुद्धि वाणी, आप बदल गए। आपके तन में, मन में, बुद्धि में, वाणी में, इंद्रियों में, बिल्कुल ये लग रहा है कि आप लोग एकदम महात्मा बन गए, सब बदल गए हैं आप। एकदम सत्य कह रहा हूँ भागवत जी के सामने, आपके मन में कोई पाप नहीं, कोई विकार नहीं, बिल्कुल इस समय आप बदल गए। लेकिन ये भी गारंटी से कह रहा हूँ कि बदले 6 बजे तक, 6:30 पे बदल जाए, झूठी नहीं। देखो जितनी बात साफ है वो तो हमें मालूम, का प्रसाद ही बदल दे, कहो जूते ही बदल ले, कहो चप्पल ही उठा ले, क्या करें सर, क्या करें, कहां लो समझाएं, मतलब थोड़ी देर बदल जाते हैं फिर बदल जाते हैं। ये सिस्टम ऐसा मत रखो साहब, एक जैसे ही बदल जाओ जीवन में, दोबारा कोई दोबारा बदलने के नहीं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने ऐसा काम सीखा है कि जिसमें बहुत बड़ा फायदा है हमारे काम में। मान लो कोई विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए, तो आगे क्या लिखा जाएगा? भूत लगेगा उसको, लगेगा कि नहीं? आगे लिखा जाएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अच्छा बोलो, हम जहाँ बैठे हैं कभी लिखा जाएगा कि भूतपूर्व कथा? कभी नहीं, हम जिंदगी भर वर्तमान ही रहेंगे, भूत वाला काम ही नहीं करना चाहिए साहब। इसीलिए हम हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, वो हनुमान जी कहते हैं हमारी जो कथा कहे चाहे सुनाए उसको भूत नहीं लगेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनते। क्या भूत का काम है? वर्तमान ही रहेगा हमेशा। आप लोग देखो, मैं कह रहा था ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राजा बने। इनकी पावनी वंश परंपरा में महाराजा अंग का चरित्र है। अंग की पत्नी का नाम सुनीता, सुनीता महारानी के बेन नाम का बालक जन्मा। अधर्म और अनाचार में बेन से बड़ा अधर्मी कोई नहीं हुआ। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष बहुत पीछे हैं, बहुत नंबर वन पे बेन का नाम है। माता पिता को मारपीट करता था। अनहस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवारयत् घोरे भेरी घोषेण सर्वसा। कहीं कोई ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए, कोई साधु पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए, कोई ब्राह्मण यदि कहीं पूजा पाठ करते मिले तुरंत स्वाहा करो। तो सबसे पहले पंडित जी स्वाहा किए गए, उठा उठा के सब ब्राह्मण हवन कुंड में फेंक दिए। ये परेशानी देखो, आप लोग ये परेशानी कभी नहीं सुनते हो। एक बात जनकिन ने पढ़ा दी आपको, ये पंडित पहले क्यों भोजन करेंगे? अरे मार पहले हमने खाई, भोजन तुम करोगे? अरे भाई भोजन हम ही करेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? पढ़िए ना पहले, हमें ही लोग उठा उठा के फेंके गए। बोले पहले इन्हीं को फेंको साहब। तो देखो यही तो मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में आता है। कबू कबू ठंडे दिमाग से सोचा करो कि हमने जो नियम बनाया है उसमें तुम्हारा भला है, इसमें कहां से तुम्हारा बुरा हो रहा बताओ। मान लो जैसे मान लो पूरा इंतजाम हुआ, अब आप ईमानदारी से सोचो कि अगर मान लो छिपकली गिर गई हो तो हमें ही 13 पंडित मरेगा, हमें तो नशा है 10 रुपया पीछे आगे बैठ जाते पहले, हमें तो यह है कि यजमान को भलो हो, अभाव जो हो सो जाए सब। तो ये तो जान जोखिम में डाल रहे, तुम कह रहे पहले काहे खाए रहे, तुम तो हमेशा ही यूं करो कि जब बने पहले नहीं को निपटाओ, जो हो सो यही निपटे साहब, आराम से बाद में खाओ, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो 10 रुपया पीछे, तुम जब बताओ सो बैठ जाए साहब, चाहे कुछ हो खाए नहीं। तो ये है क्या? आप लोग कहां तक आपको समझाएं, आप लोग समझते हैं ना? तो ये पहले से सिस्टम में है कि कहीं ना कहीं करते रहो। अब वो हमारा बेन बड़ा धर्मी, बड़ा अनाचारी, क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसको मारने में ही फायदा है। हन्यता हन्यता ममेशो पापा प्रकृति दारुणा, शरीर को दग्ध कर दिया, तेल की नौका में अरणी मंथन हुआ, जंघाओं को मथा गया, काला काला पुरुष निषाद नाम की जाति बसाई मल्लाह, और शरीर के अग्रभाग से महारानी अर्ची पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान ने
पृथ्वी को दोहन किया है। जो भी दुनिया में देख रहे हो ये पृथ्वी भगवान की देन है। उन्होंने पृथ्वी को धनुष बाण लेकर के डांटा, तूने अन्न क्यों नहीं दे रही है। धरती बोली हम अन्न तो नहीं देंगी, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। अगर राजा अधर्मी हो तो प्रजा सबसे पहला धरती का निर्णय है अन्न देना बंद कर देती है। मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पूर्य भी भेजे जाते हैं, मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पूर्य भी भेजे जाते हैं। तप धैर्य धर्म अरु उपासना सदभाव भी बेचे जाते हैं। जहां उच्च मात धरणी सी बिकी बिक रहा कगन सा रखवाला, और जहां पहले थे मंदिर मस्जिद वहां खुले हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की तारे ससी बेचे जाते हैं। और मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पूर्य भी बेचे जाते हैं। अर्थी से उतर के बिका कफल, आदमी मर गया 1.25 मीटर चंचर ओढ़ के गया, परिणाम अर्थी से उतर के बिका कफन समसान भी बेचे जाते हैं। और इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। आज मानवता करा रही है, कहां से कहां आ गए हम, आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। आप लोग बुरा नहीं मानिए, हम आदमी को ढूंढ रहे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। आपको लगेगा हम लोग आदमी नहीं है, नहीं आप लोग तो देवता है, मैं तो आदमी की बात कर रहा हूँ। आदमी तो कहीं मिले, आदमी नहीं मिल रहा। अब समझ में आ जाएगी, सुनिए आप मेरी बात। एक सज्जन कपड़ा बेच रहे थे, अरे उन्हें प्यास लगी, उन्होंने साइकिल खड़ी कर दी, हाथ जोड़ के कहा बाबूजी प्यास लगी है, पानी मिलेगा। तो मालूम वो क्या कह रहा था, पियाऊ है कि धर्मशाला, चले आते हैं पानी पियाऊ थोड़ा ना धर्मशाला, भले आदमी मकान है। अब उसने मन में सोची का भले के लक्षण तो यही दिखाई थे। अब गरीब आदमी कह तो कुछ नहीं सकता, चुप्पा बैठ गया द्वारे। थोड़ी देर में उसने फिर कही, कह बाबूजी प्यास लगी है, चुप रहो पानी, कोई आदमी आने दो पानी, कोई आदमी आने दो पानी पिलवा देंगे, बैठ गया। फिर उसने थोड़ी देर में कही, कह बाबूजी प्यास लगी, अरे तुम समझते नहीं, बार बार वही बात, हमने सुन ली, हम मना नहीं कर रहे, कोई आदमी आने दो पानी पिलवा देंगे। उसने कहा बाबूजी तुम बुरी ना मानो, तुम एक बात कहें, हाँ कहो, कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दोगे, बोले हाँ पिलवा देंगे, बोले अगर थोड़ी देर तुम ही आदमी बन जाओ। अब समझने वाली बात है, जिंदगी भर जानवर बने रहिए, बोले थोड़ी देर तुम ही आदमी बन जाओ, इसका मतलब हम आदमी नहीं बनना चाहते, अरे तुम्हें एक लोटा भर के पिलाए दे, कोई जानवर हो जाओ तो हम आदमी बनना ही नहीं चाहते। सोचो क्या हमारा जीवन है, अरे आदमी का मतलब क्या होता है, आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ तो बोना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उन पर रोना चाहिए, पर आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। हमारे गांव में कोई मर जाता था तो उमरैन में पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलते थे, लोग पीछे पीछे रो के जाते थे, हाँ हाँ कोई हमारा अपना मर गया। और आज हम कहाँ पहुंच गए, आदमी मुर्दा रख के जा रहा और पीछे से कह रहे राम राम सत्य है, और एक आदमी मोटरसाइकिल से आया और मुर्दा बालों से कह रहा था हटिए हटिए हमें जल्दी है। और मुर्दा रखने वाले उमरैन के ही थे, उन्होंने कहा भाई साहब तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो इन्हें उतार दे, तुम्हें को लाद ले, हाँ बोले इतनी जल्दी नहीं है, बोले तो खड़े रहो लेन में, तुम्हें इनसे ज्यादा जल्दी ऊपर जा रहे, बोलना इतनी नहीं है, बोले तुम्हें ज्यादा हो इन्हें उतार दो तुम्हें गुलाद ले। तब वो लेन में खड़ा रहा, मतलब हम इतने गिर गए हैं हमें ये ज्ञान नहीं रहा यही इंसान होता है। अरे आदमी का मतलब हाथ पैर मिल गए तो तुम आदमी हो गए। आज मानवता करा रही है हम कहां से कहां चले गए। और याद कर लीजिए, यदि आपको दुनिया में कोई अगर धर्म है तो यही धर्म है, यही धर्म है।
अगर आप, मैं किसी भी धर्म का नाम कभी नहीं लेता हूँ, ये मेरे जीवन की परंपरा नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म को, किसी मजहब को पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि जिस मजहब का वो ग्रंथ है उसमें वही लिखा है। अगर कभी बाइबल को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ईसाई बनो, और किसी ग्रंथ को पढ़ो तो उसमें लिखा है कि आपको यही बनना है। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म है जिसमें केवल यही लिखा है, मनुर्भव, केवल मनुष्य बनो। जब हम मनुष्य ही नहीं बन सकते हैं तो और क्या बन सकते हैं? मानो तो बनिए, मानो बनकर के जीवन की, लोगों की सेवा करिए। इसके बाद पृथ्वी का दोहन हुआ, इसमें सब कुछ निकला है, खाने का अन्न, पहनने के कपड़े, सोना चांदी, लोहा तांबा पृथ्वी के गर्भ से निकला। फिर इन्होंने, इनके बेटा ने यज्ञ किए, पर फिर इंद्र ने घोड़ा चुराया, लेकिन भगवान ने समझाया तो विजयदासु का यज्ञ बंद कराया। और फिर प्राचीन मर्दी राजा हुए जिन्होंने धरती को कुशों से पाट दिया, कुशोत्पाटनी नाम रखा गया। और इसके बाद प्रचेताओं को रुद्र भगवान ने रुद्र गीत का उपदेश किया, पुरंजन जी की कथा सुनाई गई, आसीत पुरंजनो नामः राजा राजन बृहच्छ्रवः तस्या अभिज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। इस तरह ये भागवत के चार स्कंद पूरे होते हैं। पांचवें के पहले अध्याय में प्रश्न आता है, प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। महाराज प्रियव्रत जी ये मनु महाराज के बेटे हैं और सदैव घर में रहे और इन्हें वैराग्य हो गया। तो घर में रहने पे वैराग्य कैसे हो गया, ये समझने वाला विषय है। घर में रहने पे वैराग्य हो गया, अब इस पर मनन करिए थोड़ा सा। देखो, घर में रहना, गृहस्थी में रहना, ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन समझना ये है कि ये घर में कैसे रहना है। अच्छा, एक बार अपने मुंह से बोलो तो समझ में आ जाए, बोलो। मिला है, मिला है, अब बोल ही नहीं रहे हो, जोर से बोलो पीछे वाले। मिला है, मिला है। भाई उमरैन के लोग ना बोलें, लेकिन जो रिश्तेदार आए हैं, जो किल्लामपुर के लोग हैं, वे तो बोलें। 70 किलो आटा मल रहा है या कोई मुफ्त की रोटी समझ रहे हैं? फ्री का माल नहीं है मठा के आलू, देखो हम रोज पता लग रहा है। ऐसो ना करो भाई, जितो खाओ उतनी तो बजाओ। देखो हम अभी खा नहीं रहे फिर भी बजा रहे, इतना तो बोलो, कम से कम लगना चाहिए कि बोलो। है बोलो, मिला है, मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बोल दो, मेरा नहीं है, मिला है। ये यहाँ नहीं बोलना है, जिंदगी भर याद रखो। बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मकान दुकान, ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है। ये ध्यान में रहे, संज्ञान में चढ़ जाए, ये हमें मिला है, मेरा नहीं है। का हो तो अम्मा, अनुमति नहीं है, क्या करने बताओ। अजब पुरुष, जाए रहे, जाओ फिर आई, जाओ, हाओ हाओ हाओ, जाओ जाओ, खूब जाओ, आराम से आनंद, जाओ हाओ। अब क्या करें, हमें तो जाने नहीं है, हमें तो कछु काम धंधा है नहीं, हम तो सब, अब आप लोग तो सब काम वाले हैं, कोई जा रहा है तो जा रहा, हमें तो यही काम है, भगवान की कथा करनी है, सो आपको सिखाना है कुछ, तो फिर आपको सुना रहे। बोलो क्या कहा था अभी आपने, फिर एक बार बोल देना। हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। अब ठीक रहा, नहीं पहले वाली कम समझ में आई, ये तो हाल ही याद हो जाएगी। हमारा नहीं है तो रहते क्यों, हमारे लिए है। बस आई उसरा हार जा रही थी, तुम बैठ गए, और तुम कहने लगो ये हमारी है तो वो उतार देगा, और तुम कहने लगो हमारे लिए है तो वो कहेगा बैठो, रोज बैठो, है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी नहीं है। इसी तरह संसार में सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं है। तुम अपने को मालिक क्यों समझते हो ना?
तो ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझी को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, भगवान बादल देवता कृपा।